क्यों एक क्वालिफाई किया और एक क्वालिफाई नहीं कर पाया? आप ये समझ रहे हैं कि वह जो क्वालिफाई किया जो नहीं किया, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर कॉन्सेप्ट उसका जिसने क्वालिफाई किया वो उसका अच्छा है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात और है कि उसने काफी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद में वह कुछ ऐसे फार्मूले को भी जानता है जो आसानी से क्वेश्चन को देखते ही एक से दो लाइन में एक्स्ट्रा मार्क करता है। अब जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल एक कन्वेंशनल मेथड से पढ़ रहे हैं या कहीं आप ऐसे पढ़े हुए हैं, ऐसे टीचर से पढ़े हुए हैं कि जो माना कि जो भी इसलिए स्लो दैट एंड मेकिंग द सम इक्वेशंस ऐसे सॉल्व करते, तो यह बोर्ड के लिए हो सकता है सही हो। इंटर का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो रिलाइव करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, आप वहाँ अच्छा करेंगे। बीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप वहाँ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक कंपटीशन है और कंपटीशन में आपको सुपरसीड करनी है। आपका जो बगल वाला कॉम्पिटिटर है आपको जब तक वो क्वेश्चन को पढ़े तब तक आपका आंसर निकल जाएगा, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका वो फिजिक्स का जो पेपर है पूरे क्वेश्चन को अटेंड इन द शॉर्टेड टाइम नहीं कर पाएंगे। तो वह जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम में फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यस यू हैव टू नीड सम मैजिक, और वही हम आपको सिखाए जा रहे हैं मैजिकल फिजिक्स। क्या है मैजिकल फिजिक्स? किसी क्वेश्चन को कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यदि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन 25 लाइन में हो रहा है, 30 लाइन हो रहा है, 50 लाइन हो रहा है, 5 लाइन हो रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूरे फिजिक्स पूरे पेपर में आपके सिलेबस में है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में कि जिनको देखते ही क्वेश्चंस को देखते ही बिना दो चार पांच साल किए देखते ही आप एग्जाम आ सकते हैं। यानी जब तक आपका कंप्लीटर, जब तक आपका कंप्लीटर क्वेश्चंस को पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा कि क्या दिया हुआ है, यदि आप एक्सपर्ट हैं और प्रैक्टिस की है आपने मेरे साथ जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं, तो आप बिलीव करिए मैजिक होगा आपके रिजल्ट में, मैजिक होगा और आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या जो एसडीपी सर बताते थे कि फिजिक्स इतनी आसान है, तो क्या रियली इतनी आसान है? मैंने तो आपको